वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। कोरोना की सूरतेहाल के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशियों के लिए एहसास कैश प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा। इन घरानों के लिए वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कोरोना से सेहतियाब होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवाम को खबरदार किया, कोरोना कोई वहम या अफवाह नहीं, मुझे देखें और इबरत हासिल करें। आवाम को सब कुछ पता क्या करना चाहिए, मेरी तरफ देखें और इबरत हासिल करें, अल्लाह से मदद मांगें, मेरी तरफ देखें आप और ये देखें कि मुझ पर 4 खुदकुश हमले हुए, मैंने कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, 21 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मेरा तिया पाँचा। हुकूमत ने दीगर पावर प्लांट्स का फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक को देने का फैसला कर लिया। 30,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल फौरी फराहम किया जाएगा। 500 मेगावाट इजाफी बिजली भी दी जाएगी। पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम अपग्रेडेशन में सरमायाकारी नहीं की। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक से बदतरीन लोड शेडिंग पर वजाहत मांग ली, कहा कराची में लोड शेडिंग 3 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12 घंटे लोड शेडिंग समझ से बाहर है। सिंध असम्बली में सैयद मुनव्वर हसन को खिराज अकीदत के लिए करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने इजहार अफसोस करते हुए बताया कि ज़माने तालिबे इल्मी में जमियत से लड़ाई हुई तो सैयद मुनव्वर हसन ने आकर उन्हें बचाया। सैयद मुनव्वर हसन साहब थे, मेरे वालिद मरहूम ने उस वक्त उनसे बात की थी और वो तस्वीर कराया था मुझे, और तो पर्सनल उनकी मेरे ऊपर भी शफकत रही है और नहायत ही अफसोस हुआ है उनके वफात की वजह से। और चीनी फौजियों के आगे भीगी बिल्ली बनने वाले भारतीय बुजदिल फौज मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में जा घुसी। तराल में नाकाबंदी, मुस्लिम खरानों को हरासा किया, 3 नहत्ते नौजवानों को घरों से निकाल कर शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मज़म्मत, ट्विटर बयान में कहा आज तशद्दुद का शिकार लोगों की हिमायत का आलमी दिन है, कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं जिसका जिम्मेदार भारत को करार दिया जाए, आलमी बिरादरी की इन मजालिम पर खामोशी नाकाबिले कबूल है।